हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के कंट्रोवर्शियल आर्टिकल 35A के बारे में। 35A जो है वो आर्टिकल 370 का एक पार्ट है एंड उसे हटाने की बात क्यों की जा रही है और कुछ लोग उस आर्टिकल 35A को क्यों हटने नहीं देना चाह रहे, टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। और ये टॉपिक UPSC एंड आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, तो सारे पॉइंट्स ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर को ये पावर देता है कि वो परमानेंट रेसिडेंट को डिफाइन कर सके। परमानेंट रेसिडेंट असल में जम्मू कश्मीर का सिटीज़न है जिसे कुछ स्पेशल अधिकार दिए गए हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। आर्टिकल 35A 1954 में तब की नेहरू गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू जम्मू कश्मीर सरकार की सहमति के साथ इस आर्टिकल को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का मतलब है बिना लोकसभा एंड राज्यसभा में पेश किए बिना नेहरू गवर्नमेंट ने ये आर्टिकल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट किया कर दिया। जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन 17 नवंबर 1956 को अडॉप्ट किया गया था। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट परमानेंट रेसिडेंट ऑफ J&K। परमानेंट रेसिडेंट जम्मू कश्मीर का वो पर्सन है जो May 14, 1954 से पहले स्टेट सब्जेक्ट था, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का सिटीजन था, या 14 मई 1954 के 10 साल पहले से जम्मू एंड कश्मीर में रह रहा हो और उसके पास जम्मू कश्मीर में इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जो कि उसने कानूनी तरीके से हासिल की हो। जम्मू एंड कश्मीर की राज्य सरकार को 2/3 मेजोरिटी मिले तो उन्हें पूरा अधिकार है कि वो परमानेंट रेसिडेंट की जो डेफिनेशन है या कौन पर्सन परमानेंट रेसिडेंट कहला सकता है ये तय करने का। अब ये जानेंगे कि वो कौन से अधिकार हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में किसी बाहर के पर्सन को नहीं दिए जा सकते। पहले बात आती है, अगर कोई पर्सन जम्मू एंड कश्मीर का परमानेंट रेसिडेंट नहीं है तो वो जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य सरकार के चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता और ना ही वह जम्मू एंड कश्मीर में कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है एंड ना ही वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम कर सकता है, मतलब कि उसे स्टेट गवर्नमेंट में जॉब नहीं मिल सकती। एंड इसी के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर का नॉन रेसिडेंट पर्सन जम्मू एंड कश्मीर के किसी भी सरकारी कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर सकता और ना ही गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली कोई भी फाइनेंशियल एड को भी हासिल नहीं कर सकता। अब हम जानेंगे कि इस आर्टिकल को हटाने की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि इस आर्टिकल की वजह से वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए जो रेफ्यूजीज़ हैं उन्हें बेसिक अधिकार से वंचित रखा गया है जो कि परमानेंट रेसिडेंट को मिलते हैं पर वो उन रेफ्यूजीज़ को नहीं मिल रहे। एंड किसी वूमेन का अधिकार होता है कि वो अपनी पसंद के लड़के से शादी करे, बट जम्मू एंड कश्मीर में अगर कोई वूमेन परमानेंट रेसिडेंट है पर अगर वो किसी बाहर के लड़के से शादी करती है और वो लड़का परमानेंट रेसिडेंट नहीं है जम्मू कश्मीर का, तो उस कपल के होने वाले बच्चों को जम्मू एंड कश्मीर का परमानेंट रेसिडेंट नहीं माना जाएगा और वुमेन की जो प्रॉपर्टी होगी वो उस बच्चे को भी नहीं मिलेगी। एंड वहाँ रहने वाले वर्कर्स और वो लोग जो परमानेंट रेसिडेंट नहीं हैं पर वहाँ सेटल हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लोग, उन्हें भी फंडामेंटल राइट से वंचित करा गया है। वाल्मीकिस जिन्हें 1957 में जम्मू एंड कश्मीर का परमानेंट रेसिडेंट का सर्टिफिकेट दिया गया था पर इस कंडीशन पर कि वो और उनकी आने वाली जनरेशंस सफाई कर्मचारी ही बनी रहेंगी, आज आज़ादी के इतने सालों बाद भी उनके जो बच्चे हैं वो सफाई कर्मचारी हैं और इसके अलावा वो कोई और वर्क नहीं कर सकते। अब बात ये आती है कि कुछ लोग इस आर्टिकल को हटाने या इसमें बदलाव किए जाने के खिलाफ क्यों हैं। आर्टिकल 35A में कुछ चेंज होता है तो इससे जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो चेंज आएगा और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में जो मुस्लिम मेजॉरिटी है उसमें भी चेंज आएगा। ये कहना है जो लोग इस आर्टिकल में कुछ चेंज या इस आर्टिकल को हटाने के खिलाफ हैं उनका। 2008 में अमरनाथ लैंड ट्रांसफ़र कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, लैंड ट्रांसफ़र को लेकर तो ये मुद्दा था कि जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट एंड इंडिया की गवर्नमेंट के बीच 26 मई 2008 को समझौता हुआ कि 99 एकर्स लैंड श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को ट्रांसफ़र की जाए ताकि श्राइन बोर्ड वहां आने वाले पिलग्रिम्स के लिए फैसिलिटीज़ दे सके, बट कश्मीर के लोगों ने इसका विरोध किया। तो उनके विरोध को देखते हुए जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने 2 महीने बाद ही जुलाई 2008 में इस एग्रीमेंट को रिवोक कर दिया, यानी कि तोड़ दिया। बट कुछ टाइम बाद ही एक और एग्रीमेंट हुआ कि 40 हेक्टेयर लैंड, लगभग 99 एकर्स लैंड दी जाएगी, वो भी यात्रा का जो पीरियड होता है सिर्फ उसी समय टेम्प्ररी यूज़ के लिए।
आई होप स्टूडेंट्स आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड आपने नोट डाउन भी कर लिए होंगे। अगर आप ऐसे ही एजुकेशन वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं द टॉपर्स को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपके पास जो एजुकेशनल वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आ जाएँ।